जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया और ईद की नमाज के बाद सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थरबाजी की रूस 9 मई को एक लामबंदी की घोषणा करने की योजना बना रहा है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख किरलो बुडानोव ने दावा किया रूस पहले से ही गुप्त लामबंदी का आयोजन कर रहा है और निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर लामबंदी की घोषणा करने की योजना बना रहा है देश भर में आज ईद उल फित्र की धूम है एक महीने की इबादत के बाद आए मीठी ईद पर आज सुबह से ही रौनक दिख रही है अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है खुशी के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे इसकी भी पूरी तैयारी की गई है आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है काशी के गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी काम किए जाते हैं उसका क्षय नहीं होता है और इसी कारण लोग आज सारे शुभ और मंगल कामों को करने की कोशिश करते हैं आज अबूज मुहूर्त होता है और इस कारण आज शादी और गृह प्रवेश जैसे शुभ काम किए जाते हैं नवाबों के शहर लखनऊ के आम का स्वाद अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखेंगे 2005 में लखनऊ और इसके आसपास आम उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए ब्रांड नवाब के आमों को पीएम और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा देश में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर सात दशमलव आठ तीन फीसदी हो गई जबकि मार्च में यह सात दशमलव छह शून्य फीसदी रही थी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हरा दिया है राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए एक रन बनाए थे जवाब में कोलकाता ने इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल किया गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल में आज शाम को साढ़े सात बजे मुकाबला होगा प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म के जी एफ दो ने तहलका मचा रखा है के जी एफ दो वर्ल्डवाइड भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है के जी एफ दो ने रीजनल सिनेमा के भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं